और चलिए खबर इस वक्त भोपाल से आ रही है, जहां खासगी ट्रस्ट को लेकर घोटाला सामने आया है। खासगी ट्रस्ट घोटाला मामला और अब जांच के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है। आज खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये बातें कही थी। लोक संपत्ति प्रबंधन के लिए एम्पावर्ड कमेटी, मुख्य सचिव होंगे कमेटी के अध्यक्ष, 10 अफसर इस कमेटी के सदस्य होंगे। तो लोक संपत्ति प्रबंधन के लिए एम्पावर्ड कमेटी, मुख्य सचिव कमेटी के अध्यक्ष होंगे, 10 अफसर कमेटी के सदस्य होंगे। तो खासगी ट्रस्ट मामला जांच के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है। लोक संपत्ति प्रबंधन के लिए एम्पावर्ड कमेटी, मुख्य सचिव कमेटी के अध्यक्ष होंगे, 10 अफसर इस कमेटी के सदस्य होंगे। अंकुर अधवरियो संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। खासगी ट्रस्ट घोटाले मामले को लेकर सरकार सख्त दिखाई दे रही है अंकुर। 10 अफसर एक कमेटी में शामिल होंगे, मुख्य सचिव इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, खासगी कमेटी ट्रस्ट का जो घोटाला सामने आया है, घोटाले के उजागर होने के बाद इसकी पूरी जांच सरकार ने ईओडब्ल्यू को सौंपी। ईओडब्ल्यू इसमें जांच करेगी, इसके लिए बाकायदा कमेटी पहले ही बनाई, ईओडब्ल्यू की कमेटी बना दी गई थी। इसमें आईपीएस अधिकारी सहित पुलिस के ईओडब्ल्यू के अधिकारी रहेंगे। उसके बाद अब जो हजारों करोड़ की संपत्तियां मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में है, जिन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है या जिनको खुर्द-बुर्द कर दिया है या जिनको बेच दिया है, तो उन संपत्तियों के रख रखाव के लिए एक ये कमेटी बनाई गई है और लोक संपत्ति प्रबंधन के लिए एम्पायर्ड कमेटी इसको इसका नाम दिया गया है। मुख्य सचिव इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे, 10 और अफसर इसमें आला अधिकारी इस पूरी कमेटी में होंगे और इसके रख रखाव इनके संरक्षण के लिए पूरी कमेटी बनाई गई। निश्चित तौर पर ये देखा गया था कि अभी तक जो हजारों करोड़ की संपत्तियां, चाहे वह मुंबई में हो चाहे अन्य राज्यों में है मध्य प्रदेश की, वो संपत्तियां लोगों ने कब्जे करके कई संपत्तियां बेच भी दी है, कई खुर्द-बुर्द भी कर, उन्हीं सब संपत्तियों के संरक्षण के लिए कमेटी बनाई गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।